स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग अपनी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी के लिए गणित विषय के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और आपका पिछला जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसका प्री 2016 में हुआ था और मेंस 2017 में हुआ था। ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से लिए गए हैं, घटना चक्र के बुक से लिए गए हैं। ये पूरा आपका सिलेबस दिया गया है। इस पूरे सिलेबस में हम लोग काम और समय यानी वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, अनुपात और समानुपात, साझेदारी और जिसे हिस्सेदारी भी कहते हैं ये वाला चैप्टर, मिश्रण, चाल, समय और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल और आयतन, इतने चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हमें उसी के आगे बीजगणित स्टार्ट करना है, यानी बीजगणित मतलब एलजेब्रा स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 68 क्वेश्चन हैं। ये अभी तक जितने भी चैप्टर खत्म किए जा चुके हैं ये बहुत ही कठिन चैप्टर हैं, जिसमें अभी तक आपने चाल, समय और दूरी और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो इसको जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कराया गया है। ये ऊपर के जो चैप्टर हैं, आगे के जो चैप्टर हैं, ये सारे जो चैप्टर हैं ये अभी सॉल्व नहीं कराए गए हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, इसलिए इसको हम लोग बाद में कराने का सोचा है। पहले हम लोग कठिन वाले चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हमें बीजगणित स्टार्ट करना है। आपने अभी तक पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बीजगणित का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। बीजगणित में जो भी आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमें सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए प्रश्न में लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x + 8 का गुणनखंड क्या है। तो ये जो प्रश्न है कक्षा 6 का प्रश्न है, कक्षा 6 का ये प्रश्न है। कक्षा 6 में अगर आपने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ी होगी तो इसका गुणनखंड करना है, आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में इसका गुणनखंड करके आंसर निकाल देंगे। तो गुणनखंड करना अगर आपको आता है तो गुणनखंड कर लीजिए और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। कक्षा 6 की बुक में गुणनखंड करना सिखाया जाता है। मान लीजिए आपका गुणनखंड करना नहीं आता है, जब गुणनखंड करना नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो बाई ऑप्शन निकालते हैं, ठीक है। बीजगणित में हम लोग अधिकांश अपने प्रश्न बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इस अंदाजे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसी कंडीशन में x+4 और x-2 इसका गुणनखंड हो सकता है। तो यदि यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज समझाने वाले हैं कि x+4 अगर इसका गुणनखंड मान लेंगे तो x+4 = 0 हो जाता है और x की वैल्यू आ जाएगी -4। 4 उधर भेज देंगे तो -4। तो जिस चीज का गुणनखंड हम लोग मानते हैं उसको 0 के इक्वल करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार x-2 = अगर हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x = 2 आ जाएगा। x-2 = 0 करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। इसको हम लोग मौखिक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इस वाले ऊपर वाले समीकरण में x की वैल्यू -4 रखें और दोबारा x की वैल्यू 2 रखें तो ये समीकरण पूरा पूरा 0 हो जाना चाहिए, जैसे कि x² - 6x + 8 है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आप सिर्फ समझते जाइए। जब x की वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 का आप वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा 6 और x की वैल्यू -4 रखना है और +8 रखना है। हम क्या कर रहे हैं, पहला ऑप्शन हमने माना है कि हमारा सही है, देन x + 4 और x - 2 = 0 किया तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही x की वैल्यू हम लोग समीकरण में रखेंगे तो अगर 0 आ जाता है, दोनों वैल्यू से 0 आ जाता है, तो यानी कि ये हमारा समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन से चेक करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सारी वैल्यू आपकी प्लस में ही आएगी। तो प्लस वाली कोई भी चीज जोड़ के कभी 0 नहीं होता है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा मत करिए कि ये चारों ऑप्शन आप चेक करने लगिए, कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर देखिए x+4 कभी आपका आंसर नहीं हो सकता है, यानी x-2 भी आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, सॉरी x-2 आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं ली गई है कि x-2 से कभी अभी हमने चेक नहीं किया है। तो अगर x+4 किसी ऑप्शन में होगा तो वो हमारी वैल्यू आंसर नहीं हो सकती है, और x+4 किसी भी अन्य ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए छोड़ते हैं, अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, x-4, तो x-4 यानी कि x-4 = अगर 0 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 4। इसी प्रकार x+2 = हम लोग 0 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, -2।
अब इससे चेक करेंगे, चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8, एक्स की वैल्यू हमें क्या रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस के 6, एक्स की वैल्यू कितना रखना है 4 और प्लस के 8, तो ये 16 रहेगा और 6 चौक 24 हो जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा 8, 16 और ये 8 प्लस वाले 24 और माइनस 24, प्लस 24 माइनस 24 ऐड होके 0 हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू तो हमारी सही सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रही है। आप x बराबर माइनस 2 रख के भी देख लेते हैं, इसी में तुरंत यहीं पर रखते हैं, यहीं पर हम लोग समीकरण पर वैल्यू रखते हैं, x बराबर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर x की वैल्यू है माइनस 2 और प्लस के 8। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आपको क्या देखना है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और तीनों वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, तो तीनों वैल्यू प्लस में रहेगी तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका भी गलत है। अब इसको नहीं चेक करना है, क्यों, क्योंकि x माइनस 4 आपका 0 ला रहा था, तो x माइनस 4 सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कैसे, हमने 2 चेक किया, इसको नहीं चेक करना है क्योंकि x माइनस 3 से अब नहीं आएगा, क्योंकि x आपकी x की दो वैल्यू होंगी, x की दो वैल्यू में x माइनस 4 तो आपका 0 ला रहा है, यानी कि जब x माइनस 4 0 है तो आपके ऑप्शन नंबर डी में x माइनस 4 आ रहा है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन बचा, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, तो x माइनस 4 से 0 आ जाएगा, इसको तो हम चेक कर ही चुके हैं, और x माइनस 2 से भी आप चेक कर लीजिएगा, उससे भी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन से हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें गुणनखंड करना नहीं आता है, अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो इसको आप लोग मात्र 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आप वैल्यू पुट करके सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और उसमें भी आप दिमाग की का थोड़ा यूज करेंगे कि x माइनस 4 आपका जब आंसर आ चुका है तो x माइनस 4 जिसमें रहेगा वही हमारा आंसर होगा, तो इसमें तो x माइनस 4 है नहीं तो ये आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऐसा नहीं करना है कि चारों ऑप्शन में आप वैल्यू पुट करके रखते जाएं और फिर उसको चेक करते जाएं, तो ऐसे में तो एक ही प्रश्न में आपके 4-5 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो बहुत हो गया पहले प्रश्न के लिए चर्चा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। ये प्रश्न भी हमारा गुणनखंड का ही प्रश्न है, इसमें अगर आपको गुणनखंड आता है तो मुश्किल से आप 3 से 4 या 5 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हैं, अगर गुणनखंड नहीं आएगा तो क्या करेंगे, गुणनखंड अगर नहीं आएगा तो हम इस वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसका मौखिक आंसर निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज आप करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू, तीनों वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तीनों वैल्यू प्लस में, हमें इस वैल्यू का मान 0 लाना है, हमें मान के रखना है, एक बार हम या तो x का मान -6 रखें या 7 रखें, अगर ऑप्शन ए को लेते हैं, ऑप्शन बी को लेते हैं तो -7 और -6 रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी को लेंगे तो 6 और 7 रखना पड़ेगा, डी को लेंगे तो -7 और 6 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से अपना कॉमन सेंस का यूज करिए, यहाँ पर अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 13 रहेगा, यानी x की वैल्यू हमें माइनस रहेगा तभी ये वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू माइनस होगी तभी यहाँ पर x माइनस रहेगा, ये दूसरी संख्या आपकी माइनस में होगी, तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू माइनस ही होना चाहिए, और दोनों कंडीशन में x की वैल्यू माइनस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ही दोनों वैल्यू, x की दोनों वैल्यू माइनस में है, पहली -7 है और दूसरी -6 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, हमारी प्लस वाली वैल्यू कभी भी आंसर नहीं हो सकती है, इसमें प्लस है, इसमें ये 7 प्लस है, इसमें ये 6 प्लस है में है, तो प्लस वाली वैल्यू हमारी कभी भी आंसर नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अनुमान विधि से या अपने कॉमन सेंस से डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा सकते हैं। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो गुणनखंड के तरीके से ही 2-4-5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कैसे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग यहाँ पर करके दिखा भी देते हैं। पहली कंडीशन में आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस के 7 रखना है, और किस समीकरण में रखना है, x स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 42, इस समीकरण में x की वैल्यू -7 रखना है, तो पहले -7 रखते हैं तो -7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा प्लस का, और यहाँ 13 रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई -7 और प्लस के 42, तो ये 49 होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91 और प्लस के कितना रहेगा 42 रहेगा, ये प्लस वाला दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा और 91 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को -6 से भी चेक कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 42, इसको आप -6 से भी चेक कर सकते हैं,
तो माइनस सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस के 13, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस के 6 और प्लस के 42। इसी को आपको चेक करना है, ये 36 रहेगा, 13 × 6 = 78 माइनस के 78 हो जाएगा और यहाँ पर 42 रहेगा। क्लियर, ये प्लस वाली 36 और ये 42, ये दोनों वैल्यू आप ऐड करेंगे तो 78 आएगा और 78 प्लस माइनस दोनों में रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 0। तो दोनों वैल्यू से आपका आंसर 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे पहले जो अभी अभी आपको बताया था कि अनुमान विधि से या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी आप ऑप्शन नंबर बी पर सही कर सकते हैं। तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका है, इसका गुणनखंड बहुत ही आसान है, गुणनखंड भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पर। देखिए सेम उसी टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके कक्षा 6 की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि अधिकारी बनने का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत कठिन प्रश्न आएंगे, कक्षा 6 की बुक के भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें क्या करना है, 2x² माइनस के 5x + 2 का सही गुणनखंड चुने, तो इसमें गुणनखंड करना है। मान लीजिए आपको गुणनखंड नहीं आता तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, तो वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालते हैं। तो अगर हम x माइनस 2 बराबर 0 मान लें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो मान लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें x की वैल्यू 2 रखकर इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो किस में रखना है, 2x² माइनस के 5x + 2, इसमें हमें x की वैल्यू 2 रखना है। अगर 0 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का वर्ग है माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस के 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 का इसमें 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, माइनस के 10 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। ये प्लस वाली वैल्यू 8 और 2 जोड़ेंगे 10 और 10 माइनस रहेगा, कुल मिला कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर आ चुका है, हमने x की वैल्यू x - 2 = 0 माना तो x की वैल्यू निकल आएगी 2 और 2 से हमने इसको चेक किया तो हमारा 0 आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, कोई भी कठिन बात नहीं है, वीडियो को सिर्फ आप एक बार देखते रहिए, इसमें जो थोड़ा सा लॉजिक या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको आप समझते रहिए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रेलवे NTPC की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बस वीडियो को आप देखते रहिए। चौथे नंबर पढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको सॉल्व करने लगें। प्रश्न में लिखा गया है 19x² माइनस के 100 का होल स्क्वायर और माइनस 90 का होल स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 100 का वर्ग है, यहाँ पर 90 का वर्ग है, तो x की वैल्यू निकालना है और ये आपका x है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग जो RHS में वैल्यू दी गई है इसको निकाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि इसमें आप 100 का वर्ग करेंगे फिर उसमें जितना आएगा 90 का वर्ग करें, यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। फार्मूला कौन सा यूज होगा, a² - b² का फार्मूला यूज होगा। a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 100 और b की वैल्यू कितनी है 90, तो a की वैल्यू 100 ये ध्यान रखिए और b की वैल्यू कितनी है 90। क्लियर, फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला भी याद होना चाहिए। a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 19x² ऑप्शन से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो एक बार a + b रखेंगे, एक बार a - b रखेंगे, यानी कि एक बार a में b जोड़ना है तो 100 में आप 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। एक बार a में b घटाना है यानी कि 100 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, x² कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा है और ये 00 बचा है, दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, x² = 100, देन x इक्वल आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो को बस आप देखते रहिए, सारे प्रश्न और सारे लॉजिक क्लियर होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें नंबर पर। रेलवे की परीक्षाओं में एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें लॉजिक जरूर लगाना होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल अंधी दौड़ करेंगे तो एग्जाम सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे ये प्रश्न भी इसी प्रकार का लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है x + √x = 20 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है इसका वर्ग करके आप इसको सॉल्व करते रहिए, इसको बाई ऑप्शन यानी कि आपने जो विकल्प दिए गए हैं उसी से इसको चूज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू √ के अंदर लिखी गई है तो ऐसी कंडीशन में x की वही वैल्यू होगी जिसका वर्गमूल होता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जरा ध्यान से देखिए, 16 का ही वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर, तो इस प्रश्न को सिर्फ देखकर
अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो 16 नंबर का सॉरी 16 हमारा आंसर आएगा और यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अब इसको कैसे सही होगा, इसको प्रूफ भी कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं 16, तो ये x प्लस रूट x मान लेते हैं, कितना आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हम 16 मानेंगे, यहाँ पर 16 और रूट x मानेंगे, तो ये 16 रहेगा ही। और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 16 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 20, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, यानी कि हमारा 16 आंसर रहेगा। अगर आप x की वैल्यू 12 मान लेंगे तो 12 का वर्गमूल नहीं होता है, x की वैल्यू 18 मान लेंगे तो उसका भी वर्गमूल नहीं होगा, x की वैल्यू 20 मान लेंगे तो उसका भी वर्गमूल नहीं होगा। तो आपका आंसर कहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से ही आएगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर देना है, ठीक है। सॉल्व इसको हम नहीं करेंगे, कैसे, देखिए आपका आंसर कितना चाहिए 90, और x माइनस रूट एक्स इक्वल 90 चाहिए, और रूट एक्स का मान निकालना है। रूट एक्स का मान क्या होगा यही आपको निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, रूट एक्स का मान निकालना है, बहुत बड़ी बात हो गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसका वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल तो 9 का भी होता है, लेकिन 9 का अगर वर्गमूल लिखेंगे तो 9 यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें से वर्गमूल घटाएंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, 90 का भी नहीं आएगी। 81 लिखेंगे तो 81 यहाँ x की वैल्यू 81 रहेगी, फिर माइनस के यहाँ पर 81 लिखेंगे तो 90 से छोटा ही तो आएगा। तो ऐसी कंडीशन में बाई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा, क्योंकि 10 तो आपका वर्गमूल होता है नहीं है, 9 होता है, 81 होता है, 100 होता है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि 100 में से आप कुछ घटाएंगे तब 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 81 और ये 9 आपका आंसर नहीं हो सकता है, कैसे, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। x की वैल्यू हमने कितना माना 100, और माइनस यहाँ पर कितना है 100 का रूट x, x की यहाँ पर हमने 100 लिखा, अब ये कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, तो 100 और ये 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 90। तो हमने क्या माना है, x की वैल्यू माना है 100, क्लियर। लेकिन x की वैल्यू नहीं निकालना था, आपको रूट x की वैल्यू पूछ रहा था। आप जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी पे टिक मत लगाइएगा, हमने भी जल्दबाजी में इसी पे टिक लगाया है, इस पे टिक नहीं लगाना है, आपको रूट x की वैल्यू पूछ रहा है। आपने x माना कितना 100, तो रूट x हो जाएगा कितना, रूट x हो जाएगा 10, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अगर x की वैल्यू पूछता तो वहां पर हमारा आंसर 100 आता, लेकिन रूट x की वैल्यू पूछ रहा है तो रूट x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो हमें 10 आंसर हमारा आएगा, क्लियर, 100 आंसर हमारा नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान से सवाल है। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें नंबर पर, प्रश्न को एक बार आप देख लीजिए। देखिए इसमें सारी वैल्यू आपको दी गई है, W का मान भी पता है, X का मान भी पता है, Y का मान भी पता है, Z का भी मान पता है, और इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। क्या मान आएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए मान रख लेते हैं। बाहर क्या है X, और X का मान कितना है, X का मान है 3, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर भी X है, और X का मान कितना रखना है 3, उसके आगे प्लस का निशान लगा है। और W का मान कितना है, माइनस के 2, तो W का मान माइनस के 2 रखिए, यहाँ पर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। इनटू Z है, और Z का मान कितना है, माइनस के 2, क्लियर। तो जो वैल्यू दी गई है डायरेक्ट हम उसी का मान रखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के अंदर क्या है, यहाँ 3 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई होने पर, ये 2 से 2 नीचे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस का 1 रहेगा, क्लियर। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात है, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो ये वाला 6 हमारा आंसर होगा या ये वाला 6 आंसर होगा, कौन सा 6 हमारा आंसर होगा, प्लस माइनस 6 हमारा आंसर होगा या प्लस के 6 हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब अंडर रूट के बाहर कोई भी संख्या निकालते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह लगे होते हैं। अगर हमारा आंसर सिर्फ 6 दिया होता तब ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमारा ऑप्शन प्लस और माइनस का चिन्ह लगा के दिया गया है, इसलिए हमारा सबसे सही आंसर प्लस माइनस 6 ही होगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 6 आंसर आएगा, क्लियर। तो अगर आपका चिन्ह लगा के, यानी प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगा के कोई ऑप्शन दिया है तो आप उसी को सही मानिएगा। ये वाला जो आंसर होगा ये सही हो सकता है, ये सही होता,
कब सही होता? जब ये वाला विकल्प ना दिया होता। लेकिन अगर ये विकल्प दिया है तो यही विकल्प सबसे उचित माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारा सी विकल्प सही नहीं होगा, यानी प्लस माइनस 6 हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें नंबर पर। तो आठवां नंबर का प्रश्न भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है। आपका समीकरण दिया गया है, समीकरण में हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। 2xw-z ये हमारा समीकरण है और इसमें x, y, z सबका मान आपको पता है। तो चलिए आंसर वैल्यू पुट करते हैं। 2x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू 3 है, ठीक है। ब्रैकेट लगाते हैं तो w का मान कितना रखना है? w का मान रखना है माइनस के 2, और माइनस z का मान कितना रखना है? z का मान माइनस 2 है, यानी कि माइनस 2, इसमें चिन्ह लगा माइनस का चिन्ह लगा के माइनस 2 रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अरे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखने का क्या मतलब, 6 डायरेक्ट हम लोग 6 लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ये माइनस 2 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 2 आप एलसीएम लेंगे, 2 हमने एलसीएम ले लिया है, ये 2 का 2 में गुणा होगा तो माइनस के 4 हो जाएगा और प्लस के 1 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, तो आपका यहाँ पर 3 बचा है, और ये प्लस के 4 में से, सॉरी माइनस के 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 का 9, यानी कि माइनस के 9 आपका आंसर रहेगा, माइनस के 9। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा आ रही है आज, लेकिन इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन करनी थी और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। ये आपका आज के वीडियो का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पहली बार मिला है। प्रश्न में बहुत अच्छी तरीके समझ लीजिएगा, प्रश्न में क्या दिया गया है? x+1/x = 2, यानी कि x+1/x = 2, ये आपको वैल्यू दिया गया है। निकालना क्या है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। निकालना हमें है x³ और +1/x³। ये भाग का जो निशान है, डिवाइड करने का निशान है, उसको हम लोग बटे में लिख देते हैं। x⁻¹⁸ और +1/x⁻¹⁸, ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालना है, और ये सारे आपके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या लग रहा है, याद कर लीजिएगा। जब भी कहीं भी आपको, जब बीजगणित के किसी भी चैप्टर में x+1/x = 2 दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये क्यों होती है, इसको समझने के लिए बड़े डिटेल से हमें बीजगणित को पढ़ना पड़ेगा, तो अभी समझने का टाइम नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि x+1/x = 2 लिखा हो तो वहां पर प्रत्येक कंडीशन में x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि जहां भी आप x मिले वहां पर आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो चलिए एक हम लोग जहां मिलेगा x वहां पर हम इसका मान, x का मान 1 रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, x³ है तो x का मान 1 रखेंगे, तो 1³ करेंगे तो मान कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 ऊपर है और यहाँ x³ रखेंगे, यानी x का मान 1 रखेंगे तो 1³ होगा, यानी 1 होगा, और 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 1⁻¹ लगाएंगे, तो 1⁻¹ चाहे जितना हो उसका मान कितना आता है? 1 ही आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगी, ऊपर 1 है और नीचे कितना है? 1⁻¹, तो 1⁻¹ करेंगे तो 1⁻¹ की वैल्यू 1 ही होती है। 1 आएगा, फिर 1 का 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ऊपर 1-1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 1-1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 में भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें ये पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला है, जिसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। तो यही इसमें समझना था कि x+1/x जहां भी मिले, 2 = 2 आपको जहां भी मिले, तो वहां पर प्रत्येक कंडीशन में x की वैल्यू 1 आपको रख देना है। ऐसे करने से आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें वैल्यू पुट नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, पहला प्रश्न हमें ऐसे बीजगणित में मिल रहा है जिसमें ऑप्शन गलत आ रहा है, इसलिए इसको उत्तर भी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्लियर? इस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? x+1/x = कितना दिया गया है? 15, ठीक है। अब इसमें पुराना फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो x+1/x = 2 दिया गया था, उसका कुछ मान होता है, x = 1 होता है, ऐसा इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होता, इसमें सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें प्रश्न को। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर आपका 5x दिया गया है, भाग किससे करना है? 5x² - 11x + 5।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 5x लिखा है, चलिए लिखा रहने दीजिए। नीचे क्या करिए, x आप कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5x बचेगा, ये वाला x बाहर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ पर तो x है नहीं, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, यानी कि हमने x में भाग दिया तो 5/x हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो इसमें x का भाग दिया, इसमें x का भाग दिया तो x कट गया, और इसमें x का भाग देंगे तो कटेगा नहीं, यानी आपका 5/x हो जाएगा। यहाँ नीचे वाला x, ऊपर वाला x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर बचा है 5। नीचे क्या बचा है, नीचे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5x बचा है, ये वाला 5x और ये वाला प्लस के 5/x, इसको हम लोग बगल बगल लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस के 11 इसको अलग लिख लेते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 5, और नीचे आपका क्या बचा, ये जो 5 बचा है, 5 दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वन अपॉन x, क्या बचा, x प्लस वन अपॉन x, क्लियर। x यहाँ से और वन अपॉन x यहाँ से, 5 दोनों में था, उसको आपने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 11। अब कहाँ लिखें, चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है। 5 आपका अभी ऊपर है ही, नीचे कितना बचा है, नीचे ये 5 है, लेकिन अब आ गया आंसर, x प्लस वन अपॉन x आ रहा है, और x प्लस वन अपॉन x का मान आपको दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया है, 15। तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। माइनस कितने होगा, 11 होगा। यहाँ ऊपर आपका 5 बचेगा, 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 = 75, और 75 में से आप 11 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आंसर, 64। यानी कि 5/64 आपका आंसर आएगा, और 5/64 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया था, यानी कि ये प्रश्न जो है रेलवे NTPC ने इसे गलत मानकर सभी को एक एक नंबर प्रदान किए थे। तो ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, 9 प्रश्न हमने आज लगाए हैं। ज़्यादा प्रश्न लगाने से वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं एक वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग 10 प्रश्न तक ही रखते हैं, इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो बनाते समय कभी कभी कुछ कमियां भी रह जाती हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।